नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः पुरन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरुनारायण नारायण नारायण
Sadguru Narayan 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 Sadguru Narayan 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 Sadguru Narayan 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 Sriman 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 Narayan 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 Vatsala Bhagavan ki jai Sadgurudeva Bhagavan ki jai Sri Vrindavan Vihari Lal ki jai 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 Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Kripa Shama Pranadhar Kripa Karo Sri Radhike Meri Or Nihar Bhanu Dulari Radhike Sun Lo Meri Pukar दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार जीवन धन जीवन सर्वस्व जीवनाधार श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग वंदन परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं आराध्य श्री महाराज श्री के सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन हमारे आराध्य श्री कृष्ण की पावन पवित्र कथा गंगा में अवगाहन करने के इच्छुक भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा करुणा के कारण उन्हीं की गोद में उन्हीं के सानिध्य में दैया परिवार के द्वारा गीता चिंतन माला के माध्यम से हम सब इस सत्संग सत्र में समुपस्थित हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रथम श्री कृष्ण का दीदार जब हम करते हैं तो कल हम लोगों ने सुना कि निश्चित रूप से शोक मोह भय को समाप्त करने वाले
श्री कृष्ण की कथा है, उनका चिंतन है। और भक्तों के समीप श्री कृष्ण कई रूप में नजर आते हैं, सेवक बन करके, रक्षक बन करके, परीक्षक बन करके और समर्थक बन करके। नारणिक निवेदन है, भगवान को कोई कुछ भी बना ले, भगवान को बनने में कोई तकलीफ नहीं है। हम सब सब नहीं बन सकते हैं, उनको जितना आनंद स्वामी बनने में आता है उससे कम आनंद उन्हें सेवक बनने में नहीं आता है। जितना आनंद उनको स्वयं मां के सामने रोने में, गिड़गिड़ाने में आता है कि मां हमारी रक्षा करो, ये गोपियां हमें परेशान कर रही हैं, उससे कम आनंद उनको अपने भक्तों की रक्षा करने में नहीं आता है। कारण है नारायण, वो स्वयं आनंद स्वरूप है, उनकी प्रत्येक क्रिया आनंद है। इसलिए वल्लभाधीश तो हमारे अधरम मधुरम बदनम मधुरम सख्यम मधुरम, उनकी हर क्रिया मधुर है क्योंकि वो मधुराति मधुर है। इसलिए श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, अनेक दर्शन हैं और वह अनेक अनेक माध्यम से अपने एक एक भक्त को परिपूर्ण करते हैं। वह एक बनकर के भी, अनेक बनकर के भी अपने भक्त के ऊपर पूर्ण अनुग्रह करते हैं। जैसे मैंने एक दिन निवेदन किया था, संसार और समस्या दो नहीं है। लोग शायद समझते हैं कि संसार अलग है और समस्या अलग है, ऐसे ही संसार में परिस्थितियां भी एक जैसी किसी की नहीं रहती है। जैसे सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याओं के नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकता है, घटना का क्रम अलग हो सकता है, किंतु समस्याएं जरूर जीवन में होंगी। ऐसी ही परिस्थिति बदलती जाएगी, किंतु परिस्थिति बदलने पर भी यदि मनस्थिति हमारी ठीक रहे तो हम किसी भी परिस्थिति में आनंद में रह सकते हैं। मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूं, पहले जब ये शरीर बालक था तो वर्षा हो तो भीगने में बड़ा आनंद आता था, वर्षा होती थी लगता था कि कोई आनंद का खजाना मिल गया है, खूब उछलते थे, खूब कूदते थे, खूब नहाते थे, किंतु न सर्दी हो न जुखाम हो। और अब यदि थोड़ा भी भींग जाए तो रात्रि में नाक जाम, मस्तिष्क जाम, तो ये क्या वर्षा में कोई गड़बड़ी हो गई है कि पहले कोई दूसरा जल बरसता था और कोई अब दूसरा जल बरसने लगा है? अरे बाबा, पहले जो जल बरसता था आज भी वही जल बरसता है, हमारे शरीर की सहन शक्ति कम हो गई है। ऐसे ही परिस्थिति क्या है, परिस्थितियां तो बदलेंगी किंतु हम देखते हैं पहले कोई कुछ कह करके चला जाए पता भी नहीं चलता था, और अब यदि कोई कह करके कुछ चला जाए तो बार बार याद आती कि ऐसी बात उसने क्यों कह दी, उसको नहीं कहना चाहिए था। इसका अभिप्राय है कि हमारा मन कमजोर हो गया है। इस कमजोर मन को मजबूत बनाने के लिए परिस्थिति
अपने अनुकूल बनाने का प्रयास मत करो। हम सारी ऊर्जा लगाते हैं कि घर की परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे बच्चे हमारे अनुकूल हो जाए, हमारा सेवक हमारे अनुकूल हो जाए, हमारी पत्नी हमारा पति हमारे अनुकूल हो जाए। वैसे तो शायद सब आपका अनुभव आप लोगों का यही होगा कि कोई हमारे अनुकूल बना नहीं, हम ही को उनके अनुकूल बनना पड़ा। सबकी अनुभूति यही है। किसी की ऐसी अनुभूति हो कि कोई तुम्हारे अनुकूल बन गया हो तो हाथ ऊपर करो। 80 साल की उम्र में भी नहीं हुआ, कितना उद्योग किया, कितना प्रयास किया, किंतु कोई असर नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति या परिस्थिति आपके अनुकूल बनने वाली नहीं, आप ही उसके अनुकूल बन जाओ। अच्छा, दूसरा बदले इस पर हमारा जोर नहीं है, किंतु हम तो बदल सकते हैं और बदलने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम बदलें। कल हम दर्शन कर रहे थे, अब न तो हम द्रौपदी जैसे भक्त बन सकते हैं, न हम अर्जुन जैसे भक्त बन सकते हैं, न हम युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा बन सकते हैं। हमारे में सामर्थ्य नहीं है इन सब बातों का। हमारा समर्पण, हमारा धैर्य द्रौपदी जैसा तो नहीं हो सकता है, हमारा समर्पण अर्जुन जैसा तो नहीं हो सकता है, हमारे जीवन में धर्म निष्ठा युधिष्ठिर जैसी तो नहीं हो सकती है, किंतु ऐसे लोगों के जीवन में भी विपत्तियां आईं। और ऐसी ऐसी विपत्तियां आई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो अपने जीवन में। आप कल्पना भी करने लगो तो भाग खड़े होगे, सोच करके डर जाओगे। आप जरा विचार करना, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे चिर परीक्षित काल से विजय की कामना थी, एक दो वर्ष नहीं, एक दो दिन नहीं। महाभारत युद्ध जब हुआ तब श्री कृष्ण के श्री विग्रह की आयु 90 वर्ष की थी, तो निश्चित रूप से युधिष्ठिर तो उनसे आयु में बड़े थे, भीम भी बड़े थे, तो ये तो निश्चित है कि बचपन से विपत्तियां सही पांडवों ने। बचपन से महाभारत आप पढ़ोगे तो रो पढ़ोगे, जिस समय पांडु का देहावसान हो गया, पांडु के देहावसान के बाद राजकुल से कोई नहीं गया कि यहां से कोई जाता, पांडु की अंतिम क्रिया में कोई शामिल होता। धृतराष्ट्र को जाना चाहिए था, सूचना दी गई थी, किंतु कोई नहीं पहुंचा। इन पांचों बालकों को लेकर, छोटे छोटे वय के बालक थे, कुंती ने पांडु का संस्कार करवाने का ऋषियों के साथ प्रयास किया, उसमें माद्री ने शरीर परित्याग कर दिया, सती हो गई। अब कुंती के साथ छोटे छोटे ये पांच पुत्र, और जब ये कुंती लेकर के पहुंची है राष्ट्र में, लोगों ने सम्मान नहीं किया, ऐसे ऐसे प्रश्न किए गए हैं कि शायद किसी स्त्री के लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन होगा। दरवाजे पर खड़ी है, पांच छोटे छोटे बच्चे हैं, और प्रश्न यह है कि पांडु से तो संतान उत्पन्न हो सकती नहीं है, पांडु तो श्रापित थे, ये बच्चे किसके हैं? और ये दूसरी की संतानों को हमारे राज परिवार में स्वागत नहीं है, आप वापस जा सकती हैं। आप विचार कीजिएगा
उस समय की परिस्थिति कैसी रही होगी, किंतु हमारे कन्हैया की बुआ हैं और बहुत समझदार हैं, बहुत धैर्यशाली हैं, भगवान के स्वरूप स्वरूप से परिचित हैं, बचपन से परिस्थितियों का सामना किया है। मैं तो आजकल कहने लगा हूं कि बच्चों को भी परिस्थितियों से सामना करने में हिचकिचाओ नहीं, उनको भेजो। आज जो हम अपने बच्चों को बस से भी नहीं भेजना चाहते हैं, डरते हैं कहीं खतरा हो जाएगा, उनको गर्मी न लग जाए, उनको धूप न लग जाए, उनको क्या आप छुई मुई का वृक्ष बनाना चाहते हैं, उनका क्या भविष्य होगा, ये परिस्थिति के गुलाम होंगे, मनस्थिति के गुलाम होंगे, इनके कोई महाराज विकास नहीं हुआ होगा। जो परिस्थितियों से जूझता नहीं है, उसको अपने महाराज विकास का रास्ता सूझता नहीं है। जब व्यक्ति को परिस्थिति से जूझना पड़ता है, तभी उसको विकास का रास्ता मिलता है, सूझता है। हमने एक बार वाक्य सुना था, आवश्यकता विकास की जर्नी है, आवश्यकता विकास की जर्नी है। मुझे तैरना नहीं आता था और हमारे मित्र बहुत तैरते थे जहां हॉस्टल में थे, मुझे अच्छा लगता था सबको देख करके, किंतु डर भी लगता था कि हमको लगता था कि मैं कभी नहीं तैर सकता हूं। संयोग से तट पर खड़ा था, तालाब था, उसकी गुम्मत पर खड़ा अपने मित्रों को देख रहा था, एक मित्र ने आकर पीछे से धक्का दे दिया और जाकर जब झम से तालाब में गिरे तो लगा तो पहले मरे, किंतु बाद में प्राणों को बचाने के लिए अपने आप निकलकर बाहर आ गए, तैरना सीख गए। ऐसे बद्रीनाथ में गर्म कुंड है, वहां तप्त कुंड, 11-12 वर्ष की उम्र थी, घंटों से बैठा था, किंतु उस पानी को छूता था तो लगता था जल जाऊंगा, तो घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक महात्मा ने देखा कि बावरा घंटों से ठंड खा रहा है किंतु अंदर घुस नहीं रहा है, उन्होंने आओ देखा न ताओ, हमको पता भी नहीं चला, पीछे से उठाया, बड़ी बड़ी जटाएं थी, तप्त कुंड में फेंक दिया। जो फेंका तो ऐसा लगा कि मर गया, और बाद में फिर उसी में आनंद आने लगा। अब बाहर निकलने का मन न हो, मुझे लगा कि यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए बच्चों को महाराज सिखाना चाहिए परिस्थिति से कैसे जूझना है। अरे जो रिस्क लेने में डरता है वो क्या रिस्क कर पाएगा, महाराज उसमें तो रिस्क लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के काम बनता नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इन बालकों ने बचपन से परिस्थितियां देखी है और कुंती ने तो जीवन संघर्ष में ही बिताया है, कुंती का जीवन भी संघर्षों भरा। अरे दूसरे की बात कौन करे, कन्हैया का कौन सा जीवन बड़ा रस भरा था, उन्होंने तो अपने जीवन को रसीला बनाया, उनके जीवन में परिस्थितियों में रस नहीं था, परिस्थिति में तो भय के अतिरिक्त क्या था। आप जरा कभी चिंतन करना, जिसके मां बाप जेल में हो और बच्चे का जेल में जन्म हुआ हो और पिता छुप करके उस बालक को दूसरे के घर में दे आए हो, मौत हर समय सर में मंडराती हो, कभी पूतना बनकर आती हो, कभी कोई रूप धारण करके मौत ही थी, ऐसी परिस्थिति में भी श्री कृष्ण ने अपनी चैन की बांसुरी बजाई कि नहीं बजाई, ये दर्शन है श्री कृष्ण का। तो कुंती ने परिस्थितियां देखी थी, पांडवों ने परिस्थितियां देखी थी, आज श्री कृष्ण के सहयोग से, श्री कृष्ण की करुणा के कारण, कृपा के कारण चिर परीक्षित तिथियां उनको मिली कि उनके सारे के सारे दुश्मन मारे गए, और ऐसा लगता नहीं था कि कोई दुश्मन अब बचा है,
किंतु उसके बाद भी दुश्मन निकल पड़ा। जैसे कई बार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगता है कोई रोग नहीं है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, किंतु जांच कराओ तो पता नहीं कहां से क्या कौन सा रोग निकल पड़े। और रोग निकल पड़ा और ऐसा रोग निकला परिस्थिति में कि खुशियों में बिल्कुल पानी फेर दिया। पांच बच्चे बड़े थे, युद्ध में लड़े थे और अपने पिता के साथ सदा खड़े थे, अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। बहुत कम पुत्र होते हैं जो पिता के साथ खड़े रहे हैं। पांचों पुत्र पिता के साथ खड़े थे और ऐसे पुत्रों को युद्ध में नहीं सोए हुए, वैसे तो सैनिक युद्ध में मरना पसंद करता है। अभी कुछ सैनिक हमको मिल गए, मैं सैनिकों को वंदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं उनको, और मुझे तो लगता है ये मेरे से बड़े महात्मा है। जहां मिलते हैं सैनिक उनके प्रति हमारा बहुत आदर होता है, एयरपोर्ट में हो या कहीं ट्रेन में भी हो तो हम तुरंत उनको अपने साथ बैठा लेते हैं। हमको लगता है कि इनके वजह से हम लोग आनंद से रह रहे हैं, और ऐसे ऐसे वातावरण में वो रहते हैं कि साधु, आज के साधु हम जैसे तो नहीं रह सकते हैं। यहां एसी चाहिए, समय से भोजन चाहिए। आप गर्मियों में जहां 48 टेम्परेचर है, राजस्थान में मैं गया, 24 घंटे में एक बोतल पानी मिलता है। पानी में भी कमी कि कैसे पानी न मिले और जी सको, रेत में कैसे अंदर घुस करके जी सको। तो सैनिकों का जीवन देख करके हमको आदर होता है। तो एक सैनिक से मैंने पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुम भगवान से तो मनाते होगे कि हमको पाकिस्तान के बॉर्डर में कभी जाना ना पड़े या चाइना के बॉर्डर में कभी जाना ना पड़े, क्योंकि मौत हर समय सर पर मंडराती है, कब मारे जाएं, कहां से मारे जाएं, कुछ पता नहीं है। उस सैनिक ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, हम ईश्वर से रोज प्रतीक्षा प्रार्थना करते हैं कि कब हमको बॉर्डर में जाने को मिले। हमको लगता है कि एक बार हमको बॉर्डर में हमारी ड्यूटी लगनी चाहिए, हम वहां जाकर के कम से कम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। तो क्षत्रिय प्रतीक्षा करता है कि उसके जीवन में कभी न कभी युद्ध का समय आए और युद्ध में वीरता से, खून से, रक्त से वह स्नान करे। तो यदि वो रणांगन में मारे जाते तो उनको भी कोई पीड़ा नहीं थी, वो साथ था उनके लिए कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, किंतु कीड़े मकोड़ों जैसे क्या मरा जाए। मरा जाए तो चमक कर मरा जाए। हमारी महर्षि तो कहते थे ऐसे क्या जीना, चमक कर जीना। तो ये प्रतीक्षा होती है, किंतु उन बालकों को युद्ध में तो लड़े किंतु ये सौभाग्य नहीं मिल पाया और सोते समय मारे गए। सोते समय यदि कोई मारा जाता है तो उसकी दुर्गति होती है, जैसे आत्महत्या में दुर्गति होती है, आत्महत्या करने वाले की सदगति नहीं होगी। इसलिए संसार में सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। आत्महत्या कभी भी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने आत्महत्यारा को सबसे बड़ा हत्यारा माना। जो न तरही भव सागर ही नर समाज असपाय, ते कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। वो आत्महत्यारा है। तो जैसे आत्महत्या करना, सोए हुए मारे जाना या दुर्घटना में मारे जाना, इसमें सदगति नहीं होती है। उसका कारण क्या है? महापुरुषों का तो जीवन कहीं कैसे भी पूरा हो जाए उसका कोई महत्व नहीं है,
किंतु सामान्य पुरुष का कारण क्या है कि वो सामान्य परिस्थिति में तो भगवत चिंतन कर पाते नहीं है, और ऐसी विषम परिस्थिति में भगवत चिंतन कहां होगा। सामने से कुछ हो जाए, घटना घट जाए, तो तुरंत हमारी मनस्थिति वहां भगवान में कहां रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में मरने में सदगति नहीं मिलती है। इसलिए शास्त्रकार ने एक बड़ी बढ़िया बात कही, द्रौपदी अपने बच्चों के मरने पर नहीं रोई थी। बच्चे मारे जाते तो कोई बात नहीं, ये रणांगन में मारे जाते, भाई मारा गया, पिता मारे गए, सुभद्रा का बालक मारा गया, कितने लोग मारे गए, तो अपने बच्चों से भी उसको क्या इतना प्रेम था कि सबके बच्चे मर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक संपूर्ण विश्व भारत की महाराज एक महारानी, तो उसको क्या केवल क्या अपने बच्चे लगते थे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जितने बड़े पद पर हम बैठते हैं उतना बड़ा हृदय हमारा चाहिए। राजा को यदि एक बच्चा अपना बच्चा लगे, दूसरा बच्चा अपना बच्चा न लगे, तो राजा राजा बनने लायक नहीं है। उसको तो सारी प्रजा अपनी है। तो महाभारत युद्ध में इतने लोग मारे गए थे, किंतु द्रौपदी उनके लिए तो रोई नहीं। कैसी भगवान की भक्त है, कैसी कृष्णा है, ये अपने पांच बच्चे के लिए मर रो रही है। तो आचार्य लोगों ने एक बड़ी बहुत बढ़िया बात कही, बोले अपने बच्चों के मरण के लिए नहीं रो रही थी। तो क्यों रो रही थी, कारण क्या है, उसने विचार किया था कि हमारे जीवन में ये पांच पुष्प खिले हैं और ये पुष्प श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगी, तो वो श्री कृष्ण की सेवा में नहीं पहुंच सके इसलिए पीड़ा थी। अथवा वह रणांगन में नहीं मारे गए, और अगर रणांगन में मारे गए होते तो रोती नहीं, अश्रु नहीं बहाती। वो रणांगन में नहीं मारे गए थे, घर में शिविर में सोए हुए मारे गए, तो उनकी दुर्गति का डर था। श्री कृष्ण के सामने रोने से फायदा यह हुआ कि श्री कृष्ण ने मानो आश्वासन दे दिया कि तुम चिंता मत करो। वो तो सामान्य नियम है कि रणांगन में कोई मारा जाए तो वह निश्चित रूप से सदगति को प्राप्त होगा, किंतु यदि सोता हुआ मारा जाए तो दुर्गति को प्राप्त होगा, किंतु जिसे हमने अपना लिया है वो कहीं भी मरे उसकी सदगति ही होने वाली है। ये तो सामान्य नियम है, जैसे काशी में तो मच्छर भी मर जाए तो सदगति मिलती है, काशी में मच्छर भी मर जाए, वहां तो कीड़ा मकोड़ा भी मर जाए तो सदगति मिलती है। इसलिए कबीर काशी में नहीं मरे, कबीर को लगा कि यदि कीड़े मकोड़ों के मर जाने के बाद भी काशी में सदगति हो जाती है तो हम मरे तो यहां भगवान की क्या मरा विशेषता होगी, हम तो मगहर में मरेंगे जहां दुर्गति होती है। जहां सामान्य व्यक्ति के लिए दुर्गति होती है वहीं नारायण संत के लिए सदगति होती है, क्योंकि उनके साथ तो श्री ठाकुर हैं। एक नियम सब पर नहीं लगता है, तो भगवान ने कहा तुम इन बच्चों की चिंता तो मत करो, और उनका कल हमने प्रभाव देखा, ठाकुर का रक्षक भी है, परीक्षक भी है, समर्थक भी है, सेवक भी हैं। भागवत में एक और भी बड़ी दिव्य झांकी है, झांकी ये है कि अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया गया, द्रौपदी का संकल्प था, भगवान की इच्छा थी, द्रौपदी चाहती थी कि इसको दंड न दिया जाए, तो मणि निकाल करके और उसको मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। भगवान स्त्रियों को भी साथ लेकर, इसलिए लगता है कि अधिकार है। मूल भागवत में वर्णन है कि स्त्रियों को साथ लेकर के गंगा किनारे गए। सूजी महाराज ने कहा कि गंगा को ऐसी है भगवान के चरण रज से मिश्रित हैं,
गंगा, क्योंकि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो ये गंगा के किनारे गए, और वैसे तो रामचरितमानस के आधार पर गंगा भक्ति है, गंगा भक्ति है। तुलसीदास जी महाराज ने तीनों नदियों का बड़ा दिव्य वर्णन किया। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो यमुना महारानी ये कर्म की धारा है, सूर्य की तनया है, कर्म की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कई आचार्यों ने तो इसलिए माना है कि यमुना की महिमा सब जगह है, किंतु जितनी महिमा मथुरा और वृंदावन में है उतनी दूसरी जगह नहीं है, उतनी यमुना जी अलग है। वो लोग हमारे संत कहते हैं जो वृंदावन और मथुरा तक की यमुना है, गोकुल तक समझ लो, वहां तक की जो यमुना है वो अलग है, उनकी महिमाएं हैं। तो यहां गंगा के तट पर गए, आज मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बैठे बैठे चिंतन चलने लगा कि भगवान के चरणों से निकली हैं तो चरण रज उसमें मिश्रित है, ये कैसे हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो चरण से निकले उसमें चरण रज हो, आजकल तो चरण रज पाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि चरण रज मिलती नहीं जल्दी। तो ये चरण रज मिश्रित का अभिप्राय क्या है, चरणों से निकली हैं और श्री कृष्ण गंगा के तट पर घूमते भी थे, गंगा उनको प्रिय है, तो वहां जाकर के बच्चों का संस्कार करवाया। और संस्कार आदि करने के बाद हमारे श्री कृष्ण वहां से जब वापस आए, और वापस आने के बाद हमारे जीवन धन श्री कृष्ण भी द्वारिका जाने के लिए अभिमुख हुए, इच्छित हुए कि जा रहे हैं। रथ तैयार हुआ और रथ पर आरूढ़ हो ही रहे थे, तब तक अश्वत्थामा ने अपना काम कर दिया। हमारे कई संत एक बात कहते हैं, भैया ध्यान रखना, खल के साथ चाहे कितना उपकार करो खल बदलेगा नहीं। हमारे महाराज श्री के कृपा पात्र और प्रेमपुरी ट्रस्ट के वो ट्रस्टी भी थे, अभी तो शरीर उनका थोड़ा स्वस्थ नहीं है, पूज्य स्वामी श्री भागवतानंद सरस्वती जी महाराज यहां आते थे, महाराज जी के लाड़े थे। भागवतानंद जी महाराज बार बार बोलते थे, काला कंबल लाख धुला लो, काला कंबल लाख धुला लो, रंग न होता हल्का। अब काले का रंग क्या का हल्का होगा, काला कंबल लाख धुला लो, रंग न होता हल्का, जाता कभी स्वभाव न खल का। ये खल का स्वभाव नहीं जाता है। आप सोचो कि पड़ोसी देशों को यहां से बढ़िया बढ़िया रबड़ी बनवा के भेजो और वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, ये संभव नहीं है। वो रबड़ी खा खा के आप ही के साथ लड़ेंगे। वो हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं खल जानते हो किसको कहते हैं, बोले खल उसी का नाम है खाए और लड़े, खा से खाए और ला से लड़े, दो ही काम है खाए और लड़े। और उन्होंने एक और अंतरंग अर्थ किया, जिसका खाए उसी से लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े, उसका नाम खल। अब जरा कभी आप लोग विचार करना, अश्वत्थामा ने अपराध तो ये किया था कि मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, क्योंकि पांच बच्चों को मार दिया था, हत्यारा था, आतताई था, आतताई को पाप मारने में पाप नहीं लगता है, भले वो ब्राह्मण था किंतु आतताई था,
सोते हुए बच्चों को मार दिया, छुप करके मारा। उसको मार देने में कोई दिक्कत नहीं थी, किंतु भगवान की कृपा और भक्त की कृपा से वो बच गया। अच्छा, ये ठाकुर जी भी बड़े विलक्षण है, आपको क्या कहें, ऐसे विलक्षण है। क्या इनको पता नहीं था कि इसको छोड़ेंगे तो ये शांति से बैठेगा? सबको पता था कि ये शांति से बैठने वाला नहीं है, किंतु वारे वाह ठाकुर। मुझे कई बार लगता है कि ठाकुर को लोगों के सामने उत्तरा के चरित्र को दर्शाना था, लोगों को ये बताना था कि जिसके उदर से परीक्षित पैदा होने वाले हैं वो कोई सामान्य माता नहीं है, हमारी यशोदा मां से भी न्यून नहीं है। और ये घटना यदि नहीं घटती तो निश्चित रूप से उत्तरा का चरित्र हमारे सामने आता ही नहीं। कौन जानता उत्तरा को, कौन उत्तरा की अभिनंदन करता, वंदन करता? उत्तरा की एक अपनी विलक्षणता है, अपनी महिमा है, अपनी गरिमा है। तो अश्वत्थामा ने किया क्या, इसने प्रथम तो विचार किया कि पांडव कुल में अब कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा और हमको दंड इसलिए दिया गया है कि हमने बच्चों को मारा था, वो बच्चे तो बड़े थे, अब ऐसे बच्चे को मारूंगा जो गर्भ में होगा। और उसको पता था कि इस समय उत्तरा गर्भवती है और पांडु कुल का वही वंशधर है उसके गर्भ में, तो महाराज उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जो ब्रह्मास्त्र कभी अर्जुन के लिए किया था वही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इसने उत्तरा के लिए कर दिया। और उत्तरा के परिता हुआ महाराज जलता हुआ प्रचंड प्रकाश सा आया, और जब जलता हुआ आया उसने देखा तो तुरंत गोविंद के चरणों में भागी। आप लोग भी ध्यान रखें, विपत्ति आए तो संसारियों के समीप मत जाओ, भगवान के समीप जाओ। और मैंने निवेदन किया था प्रथम दिन, आप कहोगे भगवान कहां मिलेंगे, कहां कैसे जाएं, तो सकृष्ण क्वापि नो गता, वह कृष्ण कहीं गए नहीं है, आप जहां हो आपके साथ हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। आप अपने हृदय को प्रेम से भरो, जितना आपका हृदय प्रेम से भरा होगा उतना आप परमात्मा के निकट होगे। प्रेम परमात्मा के पास ले जाता है। हमें एक संत ने बड़ी रसीली बात कही, बोले अभिमान तोड़ता है और प्रेम जोड़ता है। जैसे जैसे आपके हृदय में प्रेम आता जाएगा आप सबसे जुड़ते जाओगे, और यदि आप सबसे अलग होते जा रहे हो तो जान जाना कि आपके अंतःकरण में अभिमान है। अभिमान तोड़ने का काम करता है, वो जोड़ने का काम नहीं करता है। और प्रेम निश्चित रूप से जोड़ने का काम करता है, प्रेम हमको सबसे जोड़ता है और अभिमान तोड़ता है। हम सबसे जुड़े इसके लिए प्रेम चाहिए, और परमात्मा से जुड़े इसके लिए परम प्रेम चाहिए। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ये प्रेम नहीं परम प्रेम। और उत्तरा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेम था, ये परम प्रेम से भरी हुई थी। और शायद लोग प्रेम करते हों किंतु ये परम प्रेम करती थी। अगर सीढ़ियां बनाई जाएं तो द्रौपदी थी प्रेमी और उत्तरा थी परम प्रेमी, किंतु कुंती की चर्चा करते हुए बताएंगे वो इनसे भी बड़ी अंतरंग भक्ता है।
वो उत्तरा से न्यून नहीं है। उसके जीवन में श्री कृष्ण का दर्शन बड़ा विलक्षण है। तो उत्तरा के जीवन में जब ये विपत्ति आई तो श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। कई आचार्यों से मैंने सुना है कि श्री कृष्ण एक पैर रथ पर रख चुके थे, एक पैर नीचे था, और जो उसकी क्रंदन पुकार सुनी तो श्री कृष्ण ठहर गए, और जो श्री कृष्ण ठहरे तो ये श्री कृष्ण के समीप गई और श्री कृष्ण के पास जाकर के कहा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। हे जगत पते, ये संबोधन है जगत पते, देव देव संबोधन, हे जगत पते। ये जगत पति का अभिप्राय क्या है? पति शब्द का अर्थ होता है पातीति पति, जो रक्षा करे उसका नाम पति। जैसे राष्ट्रपति आजकल तो पद ही हैं, सभापति, कितने पति होते हैं जी। तो ये जो जगतपति शब्द का प्रयोग है, हे जगतपते, ये अद्भुत उदार मां है। मैं तो कई बार इस देवी पर बहुत बलिहार होता हूं, इतनी उदार, इतनी उदार। ऐसी उदार देवी का दर्शन करने से भी मंगल होता है, ऐसे उदार पुरुष का नाम लेने से भी मंगल होता है। आप कहेंगे कैसी उदारता है, और शिवपुराण में इसको आप समझ सकोगे, बड़ा दिव्य चरित्र है, जहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। तो एक ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन है वहां पर, वहां वर्णन ये है, बड़ा दिव्य वर्णन है कि भगवान शंकर कैसे प्रकट हुए। वहां पर वेदव्यास जी महाराज ने एक बात कही है, मुझे उसे बहुत प्यारी लगती है वो बात। वहां वर्णन ये कि घुष्मेश्वर महादेव हैं, तो घुष्मा नाम की एक देवी थी, संयोग से उसका ब्याह हुआ देवी का, पति परम भक्त थे, रोज भगवान शंकर का अभिषेक करते थे, और वो स्वयं बनाती थी पार्थ के मिट्टी के भगवान शंकर। वर्षों तक आराधना के बाद भी उससे कोई संतान पैदा नहीं हुई, और संतान नहीं पैदा हुई तो उसने एक दिन बड़े प्रेम से कहा अपने पति को कि हमारी इच्छा है, मेरी छोटी बहन है, उसके साथ आप ब्याह कर लो। उसने कहा, बावरी आज तो ब्याह के लिए कर रही, कल सोतिया डाह से भरेगी, और अपने को भी दुखी करेगी और मेरे को भी दुखी करेगी, इसलिए ब्याह वाह के चक्कर में मत पड़, आनंद से शांति से रह। शांति से ही रहने में फायदा है। बहुत आग्रह किया और बहुत दुखित भी होने लगी कि मेरी छोटी बहन, मैं उसको बेटी जैसे प्रेम करती हूं, बहुत बहुत लाडली दुलारी प्यारी है। कथा बड़ी लंबी है, बस इतना समझिए कि उसके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह करने के बाद उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। छोटी बहन से बहुत प्यार था दोनों में। बाद में जब उस बालक का ब्याह हुआ तो स्वाभाविक है कि लड़की वालों ने ज्यादा सामग्री, ज्यादा सम्मान उसकी मां को दिया। ये बड़ी मां थी, इसे संतान तो हुई नहीं थी, उसको बड़ा कष्ट हुआ कि इसकी वजह से हमारे घर में इज्जत चली गई, और धीरे धीरे द्वेष इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। भैया ध्यान रखना, इस द्वेष से बचो, बहुत खतरनाक चीज है द्वेष। आने लगे तो तुरंत ठाकुर के चरण पकड़ो। द्वेष इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, और उसने जाकर के महाराज बच्चे को मार डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और
कपड़े में बांध करके उसके टुकड़ों को भी सरोवर में डाल आई। सरोवर में डाल आने के बाद जब वह वापस आई, किसी को बताया नहीं कि मैंने काम किया है। सुबह उस बच्चे की मां उठी तो पूरे उस बिस्तर में खून था, कुछ टुकड़े मांस के पकड़े पड़े थे। उसने उसकी पत्नी को भी जगाया, बहुत क्रंदन हुआ। बाद में कुछ कहने लगी तो उन्होंने, उनके पति ने कहा कि भगवान ने इतने दिन के लिए ही दिया था, हम लोग पूजा करो, भगवान से प्रार्थना करो, जो हुआ सो हो गया। फिर अभिषेक करके और जो विसर्जन करने के लिए गई तो वहां देखा क्या कि उसका पुत्र बैठा है, तो दौड़कर जाकर गले से लगा लिया पुत्र को और कहा कि तुमको तो यहां कैसे। उसने सारी कहानी बता दी, किंतु मां ने उसके मुख में हाथ रखकर कहा ये बात किसी को बताना मत कि तुमको बड़ी मां ने मार दिया है। उसके स्वभाव को देख करके भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा कि जो द्वेष करने वाले से भी द्वेष नहीं करता है उसके दर्शन से अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वेष करने वाले से जो द्वेष न करे, हमारा कोई अमंगल करे और हम उसका मंगल करें। तो ये जो हमारी उत्तरा मैया ने जगतपति संबोधन दिया है, जगतपते, ये अश्वत्थामा की रक्षा के लिए है। अपने गर्व की रक्षा के लिए तो बाद में बात रखी, पहले अश्वत्थामा की रक्षा की बात जगतपति से कहा। क्यों? वो कहती है कि यत्र मृत्योः परस्परम, यहां लोग एक दूसरे के मृत्यु के कारण बटे हैं, क्योंकि उसको पता था और सचमुच में उसकी प्रार्थना काम आई। आप जरा विचार करो, पांच बच्चों के मार देने के बाद अर्जुन उसको पकड़ कर लाए, किंतु इस गर्भ के नष्ट करने के प्रयास के बाद भी उसको पकड़ा नहीं गया, उसको खोजा नहीं गया, क्योंकि उसने मूल में बात यह रख दी कि हम चाहती हैं अश्वत्थामा की भी रक्षा हो। क्यों रक्षा हो? क्योंकि आप जगतपति हो, आप किसी एक के पति नहीं हो। अच्छा जरा विचार करो, भगवान क्या इस संसार में सब सज्जन सज्जन पुरुषों का ही पालन करते हैं, दुर्जनों का पालन नहीं करते हो? चोर बेईमान हत्यारों की रक्षा नहीं करते हो? उस सब की रक्षा करते हैं। अरे बाबा, जो उनको नहीं भी मानता है उसको भी वो मानते हैं, जो उनको न माने। हमने महाराज श्री के ही मुख से सुना है कि एक सज्जन का नियम था कि किसी न किसी को रोज अपने घर में लाकर भिक्षा पवाते थे। तो एक सज्जन जो भी आते थे, ठाकुर जी को प्रणाम करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं। एक व्यक्ति लगभग 60 वर्ष का होगा, उसके सामने प्रसाद रखा गया, उसने भोग नहीं लगाया, खाने लगा, तो डांट करके उसमें सेठ ने कहा कि तू नास्तिक है क्या? बोले मैं कोई ईश्वर ईश्वर को नहीं मानता हूं। तो कहा उठ जाओ, हम नास्तिक को भोजन नहीं कराते। और जब उठ करके जाने लगा तो आकाशवाणी हुई कि तुम हमारे होकर के भी हमारा साथ नहीं दे पाए, ये 60 साल का अभी तक इसको क्या तुम ही भोजन करा रहे थे? ये हमको नहीं मानता तब भी मैं 60 साल तक इसको भोजन करा रहा हूं, तो तुम एक दिन भी भोजन नहीं करा सकते हो? अभिप्राय परमात्मा वो नहीं कि केवल अपने प्रेमियों को माने, जगतपति वो है कि जगत में सबकी रक्षा करे। इसलिए तो प्रथु की भगवत्ता ऐसी से सिद्ध होती है। आप प्रथु चरित्र यदि पूरा पढ़ो तो प्रथु की भगवत्ता सिद्ध होने का ही लक्षण मिलेगा
कि पृथ्वी का जब दोहन किया तो केवल अपने चेलों के लिए, अपने चमचों के लिए ही, अपने प्रेमियों के लिए ही धन सामग्री का दोहन नहीं किया, सबके लिए। जितने वहां से कहां तक कहें सर्प बिच्छू के लिए भी उन्होंने दोहन किया पृथ्वी का, क्योंकि जगतपति वही हो सकता है जो जगत के जितने लोग हैं सबकी रक्षा करें। इसलिए साधकों में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, वो नहीं समझ पाते। जैसे गुरुजनों के पास हूं तो अपनी बुद्धि से देखते रहे, इसमें तो कुछ गुण नहीं है, ये इसको इतना प्रेम गुरुजी क्यों दे रहे हैं, इसमें कोई गुण नहीं है, न ये सुंदर है, न धनवान है, न बुद्धिमान है, न कोई हमारा चरित्र पवित्र है, न कोई व्यवहार पवित्र है। अरे नारायण, जो जगतपति के पास रहेगा ना, निश्चित रूप से जगतपति के गुण आएंगे, वो सबको प्यार करेगा, उसकी दृष्टि में लगेगा ही नहीं। और एक बात और भी बहुत बढ़िया, हमारे पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज की, हमारे श्री हरि बाबा जी, हमको तो पता ही नहीं था, हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज उड़िया बाबा के बिल्कुल अभिन्न थे। और श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जो आश्रम बना वो श्री हरि बाबा जी के लिए बना, माबा का तो कोई संकल्प अंकल्प था ही नहीं। और श्री हरि बाबा जी महाराज को इतना मानते थे, यहां तक कि वर्णन है कि जो उन्होंने बचपन में संकल्प लिया कि वाहन में नहीं बैठेंगे, किंतु बाबा के लिए वाहन में बैठ करके भी गए। बाबा से बहुत प्रेम था। अभी मैं पढ़ रहा था तो बाबा के प्रति प्रेम पढ़कर मैं तो गदगद हो गया, और मैं विचार करने लगा, जैसे वो हाय हुसैन हम न भय बोलते, ऐसे हमको भी लगता है कि उस काल में हम क्यों न हुए, उस प्रेम का रस कैसे मिलता। तो पढ़ करके ही गदगद हो गए। तो हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जगतपति के नजदीक रहेंगे संत तो गुण आएंगे ना। तो बार बार उनके लोग कहते थे आश्रम में इसको रहता है, इस निकाल दो, बड़ा गलत है। बाबा ने एक बात ही कही श्री हरि बाबा जी महाराज ने, कि जो गलती का गलत काम करता है वो ईश्वर देखता है कि नहीं, श्री हरि देखते हैं कि नहीं, बोले देखते हैं। तो बोले उनकी दुनिया है, जब वो नहीं निकालते तो हम काहे को निकालें। तो जो महत्पुरुष हैं, जगतपति हैं, वह निश्चित रूप से संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि आप देवताओं के देवता हैं, योगी हैं, महायोगी हैं। योगी कहने का, महायोगी कहने का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम समर्थ है। आप योग माध्यम से, योगी तो महाराज ऐसे हो कि सामने व्यक्ति हो किंतु उसको छुपा दें और कोई देख ना पाए, अश्वत्थामा पास भी हो तो ये लोग ढूंढ करके भी ढूंढ ना पाए, आप महायोगी हो। और नान्यम तदभयम पश्ये, आपके अतिरिक्त अब हम कहीं अभय नहीं देख रहे हैं, सब जगह भय है, आप ही अभय हैं। जहां जाओ वहां ये दर्शन करने को मिलता है। तो चाहती क्या हो, बोली अभिद्रवती मामीश, हे ईश, पहले जगतपति अब इस शब्द का प्रयोग करती हैं, हे ईश, ये मेरे को सर जो महाराज ब्रह्मास्त्र है वो तपा रहा है, जला रहा है। वैसे तो महर्षि ने गीता प्रश्न वाले ग्रंथ में अर्थ यही किया है कि भले ही हमारे शरीर को जला दे किंतु हमारे गर्भ को नष्ट ना करे। कामम दहतु माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम, हे नाथ। ये बहुत रसीला संबोधन है, हे नाथ, कामम दहतु माम, ये मेरे को महाराज भले ही जला दे, भले ही बाण नष्ट कर दे, वो ये हमारे महाराज श्री का भाव है। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि ठाकुर ने
जब देखा कि बार बार कह रही रक्षा करो रक्षा करो, पाही पाही हमारी रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान ने कहा कैसी छत्राणी हो, पति मारा गया तब तो रक्षा की कोई कामना नहीं हुई, और आज तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी विपत्ति आई तो घबराने लगी और रक्षा की कामना करने लगी। उत्रा ने कहा कि छत्राणी हूं, मृत्यु से भी नहीं डरती हूं। तो मृत्यु से डरती नहीं हो तो फिर पुकार क्यों रही हो? कहा पुकार इसलिए रही है मुझे अपने मरण का भय नहीं है, तुम्हारे नाम का भय है। नाम का भय? हां बोले आपके नाम का भय। नाम का भय क्या है? बोले नाम का भय इसलिए है अगर ये गर्व नष्ट हो गया तो लोग यही कहेंगे कि जिन पांडवों की रक्षा परमात्मा कर रहे थे उन पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, तो ऐसे परमात्मा का भजन करने से हमें क्या मिलेगा। भाई हम लोग जब देखते हैं ना किसी भगत की रक्षा भगवान ने की तो हमको भी भक्ति करने का मन होता है। अब देखो इसलिए मैं बहुत जोर देने लगा हूं और इसीलिए हमने दैनिक सत्संग जहां होते थे वहां छोड़ दिया था, तो कई प्रेमियों ने यहां प्रेमपुरी की भी प्रेमियों ने हमको आग्रह किया और भी कई लोगों ने कहा कि नहीं आपको जाना चाहिए। आप कहोगे कि दैनिक सत्संग में जाने से क्यों मना कर दिया, प्रेमपुरी भी दो तीन साल नहीं आए छोड़ दिया थे, यहां से बार बार फोन भी जाते थे, सब प्रेमियों का आग्रह भी था, किंतु उसके ना आने के कारण यहां की कोई परिस्थिति नहीं थी, हमारी मनस्थिति थी। मनस्थिति क्या थी? ये जो नित्य सत्संगी होते हैं वो सत्संग प्रूफ हो जाते हैं, जैसे वाटर प्रूफ राजेश भाई घड़ी होती ना, वाटर प्रूफ, वो पानी में भी गिर जाए तो कोई उसमें पानी ना आए। तो जहां नित्य सत्संग होता है वहां के सत्संगी सत्संग प्रूफ होते हैं। आप कितनी बढ़िया से बढ़िया बात कह दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, तो हमको लगता है जहां परिवर्तन होने वाला ही नहीं वहां काय को परिश्रम करो। जहां परिवर्तन होने के चांस हो वहां परिवर्तन किया जाए। अभी हमारे पूज्य स्वामी जी का महाराज का प्रवचन चालू हुआ है शायद आज से, पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज का, तो एक बार हमारी तीन वाले में कथा होती थी और पूज्य स्वामी जी की यहां प्रथम इसी स्थान पर, तो अपने स्थान से आकर के हमारे साथ कॉफी पी करके फिर वो मैं ऊपर जाता था वो नीचे आते थे स्वामी अनुभवानंद जी महाराज। तो एक दिन बड़े प्रेम से बोले, बोले स्वामी जी, बड़े विनोदी हैं वो, बोले स्वामी जी, हमने कहा हाँ महाराज जी, बोले तुम ये मत सोचना कि हमारी कथा नीचे वाले हाल में होती है तो हम तुम्हारे श्रोताओं को तोड़ लेते हैं, तुम्हारे श्रोता एक भी मुझे नहीं चाहिए, अगर आने लगेंगे तो मैं गेट में मना कर दूंगा कि तुम स्वामी जी के ऊपर जाओ। तो हमने कहा क्या हुआ महाराज जी ऐसा क्यों? तो हंसने लगे, बोले तुम्हारे श्रोता जितने सब बूढ़े बूढ़े आते हैं बुझे हुए और इनमें कोई परिवर्तन के चांस है नहीं, हमारे तो यंगस्टर आते हैं जवान बच्चे आते हैं और हम चाहते हैं कि इनमें परिवर्तन होगा और होता भी है। तो हमने कहा महाराज जी मुस्कुरा करके आपकी मानता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो सत्संग प्रूफ हो जाते हैं लोग ना उनको कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। किंतु एक बात हम कहें, आप सबके चरणों में हमारी प्रार्थना है, मुझे पीड़ा इसलिए बोल रहा हूं, सत्संगी का जीवन संसारी से अलग होना चाहिए। आप जरा विचार करो, आप दो दो तीन तीन घंटे यहां बिताए संतों के पास सत्संग में और आपकी जीभ मधुर नहीं हुई, आप गाली देते हो, आप छोटी छोटी बात में उलझ जाते हो, सारे घर को टेंशन में रख देते हो, तो बच्चों का मन होगा कि वहां जाएं हम जहां ये जाते हैं?
हमारा जीवन ऐसा हो कि चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए किंतु हम मनस्थिति से एकदम मजबूत रहें और मुस्कान में थकान न पड़े, तो बच्चों को भी लगेगा ये शक्ति कहां से मिली है। तो कहा ये सत्संग से मिली है, तो हम भी सत्संग जाएंगे। अगर हम बदलते नहीं है तो बच्चे कभी भी, याद रखना, संतों से जुड़ेंगे भी नहीं, सत्संग से जुड़ेंगे नहीं। उनको लगेगा केवल एक टाइम पास करने के लिए जाते हैं, वहां क्या होगा। किंतु महाराज, कठोर हृदय वाला व्यक्ति यदि कोमल बनने लगे, गाली देने वाला व्यक्ति यदि मधुर बोलने लगे, तो लगेगा अरे ऐसा परिवर्तन होता है सत्संग से, ऐसे भाव बनते हैं सत्संग से, ऐसा जीवन बनता है सत्संग से, तो हम भी जाएंगे। एक परिवार पूरा नास्तिक हमारे संपर्क में आया, न संतों को माने न भगवान को माने, और संयोग से उनका जवान बेटा, एक ही बेटा था, वो मर गया, आत्महत्या कर ली उसने, जवान बहू थी घर में, तो कोई हमारे पास लेकर आ गया, और लेकर के आया तो हमारे साथ सत्संग की चर्चा होती रही, और हमने बाबा का प्रयोग किया, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का, एक किसी सज्जन का बालक मर गया, तो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास वो आए, तो उन्होंने कहा रे तुम दुखी क्यों होते हो, तुम्हारा बालक तो राजा बन गया है, तुम्हारा बालक राजा बन गया और बाद में सचमुच में राजा बना दिखा, बाबा ने दर्शन हुआ, बोले तुम्हारा बालक राजा बन गया है, वो गंगा में नहीं डूबा है, राजा बन गया है। मैंने भी उनको कहा कि तुम्हारा बालक तो राजा बन गया है, आपको बताया, उनको बड़ी खुशी हुई। हमने कहा राजा बन जाए तो कुछ तो त्याग करना पड़ता है तुमको, अब वो बड़े खुश हुए, और घर में जाकर भोजन किया, अपनी पत्नी को भी कहा कि हमारा बालक राजा बन गया है। आपको आश्चर्य लगेगा, उनकी पत्नी भी आस्तिक हो गई, उनकी बहू भी, और एक बेटा था वो भी, सारे बच्चे जुड़ गए। सारे बच्चे इसलिए जुड़ गए, कारण क्या है कि जब उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी एक घंटे के लिए गए थे और जो दिन भर रोते रहते थे आज एकदम स्वस्थ हो गए, तो बहू ने कहा कि आप कहां गए थे, तो बोले महाराज जी का नाम लेकर के, बोले उनके शिष्य आए उनके पास गए थे, बोले हमको भी ले चलो। फिर बाद में बहू भी आई, अभी बच्चे भी आते हमारे पास, और इतने आनंद में है वो, इतने आनंद में, अभी मिले हमको। मैंने पूछा कैसे हो, अरे बोले महाराज मैं तो राजा का बाप हूं, राजा का बाप हूं, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकेगा। फिर एक दिन हंस करके बोले हमको, कहा कि महाराज मैं तो जगत पिता का बाप हूं। हमने कहा जगत पिता के बाप कैसे, बोले कि हमारा बालक उन्हीं के साथ तो मिल गया है, और जो उनके साथ मिल गया वो हमारा पुत्र हो गया। इतने भाव से भरे, तो मैं कई बार लोगों को कहता हूं ये भाव बदलना चाहिए हम लोगों के, कि हम चाहते तो हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सत्संग से जुड़े और भजन से जुड़े, किंतु हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। अभी हमको किसी ने कार्टून दिखाया, मैं बड़ा आनंद ले रहा था। मैं तो उस समय भले जीता नहीं हूं कोई घटना को, किंतु बाद में बड़ा आनंद लेता हूं। वो कार्टून ये था कि एक मां अपने बच्चे के साथ बैठी थी और वो बच्चा मोबाइल में अटका हुआ था, दूसरी मां का बच्चा उसके बगल में था, वो एक पुस्तक लेकर के बैठा था। तो मोबाइल लिए हुए बच्चे को वाली मां ने पूछा, जो पुस्तक लिए हुए वाला बच्चा है उसकी मां से, कि इसको तुम पुस्तक कैसे पकड़ाती हो, हमारा बेटा तो पकड़ते ही नहीं है, और देखो तुम्हारा बेटा पुस्तक लिए बैठा हुआ है। तो उसने मुड़ करके देखा, उसका भाव, उसके हाथ में मोबाइल था मां के, जिसके बेटे के हाथ में, उसके मां के भी। अब मां ही यदि मोबाइल पकड़कर दिन भर बैठी है तो बच्चे को पुस्तक क्या पकड़ा पाएगी, अभिप्राय तो यही था। तो यदि हमको बच्चों को अध्यात्म में लगाना है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन, ये सत्संग आना पर्याप्त नहीं होगा, माला जपना पर्याप्त नहीं होगा, आपका व्यवहार मधुर हो, आपका बोलना, आपका चलना, आपका देखना, आपकी रसीली क्रिया हो। कोई चीज वस्तु टूट जाए तो कहा बेटा कोई बात नहीं, तो टूटने के लिए ही बनी थी। अध्यात्म क्या है कि जो कभी रहेगा ही नहीं, यही तो अध्यात्म है, कि सृष्टि की सत्ता नहीं है, सृष्टि नहीं रहेगी, नश्वर है,
और कोई वस्तु टूट जाए, गाड़ी किसी बच्चे कहीं खरोच लगा के आ जाए और आप जाके झगड़ने लोगों की, हाय तूने गाड़ी नष्ट कर दी, क्या सत्संगी हो आप, क्या सत्संग को जिया है। तो सत्संग इसका नाम है कि चाहे कैसी परिस्थिति हो किंतु हमारी मनस्थिति ठीक रहे, हमारी मनस्थिति रसीली बनी रहे। तो मैं जो इस बात को इसलिए रख रहा था कि उत्तरा मां ने कहा कि प्रभु आपका नाम खराब ना हो जाए, आप लोग भी कहते हैं कि हमारे सत्संग का नाम खराब ना हो जाए। इतना ध्यान रखना कि सत्संग का नाम खराब हो जाएगा तो फिर कोई सत्संग में आएगा नहीं। और सत्संग हम अपनी दुकानदारी के लिए नहीं चलाते, सत्संग बच्चों के जीवन को रसीला बनाने के लिए, कि बच्चों का जीवन रसीला बने, हमारा जीवन रसीला बने। इन्होंने कहा आपका नाम खराब ना हो जाए इसलिए मैं गर्व की रक्षा चाहती हूं, क्योंकि हमारा गर्व रक्षित रहेगा तो लोग भगवान के शरण में जाकर के रक्षा की कामना कर सकेंगे। हमारे महर्षि कहते भगवान गदगद हो गए, और गदगद होकर के भगवान ने सोचा कि एक मेरी मां है जिस मां का नाम यशोदा है, यशोदा मने होता यशांसि ददाति सा यशोदा, जो अपने बच्चे को यश का दान करे उसका नाम यशोदा। भगवान को दान किया यश का मां यशोदा ने, सुनाएंगे हम कहां कहां कब कब दिया, कभी औसन मिलेगा। तो यशोदा उसको कहते हैं जो यश का दान करे। तो बोले ये भी मेरी मां बनने लायक है क्योंकि ये हमारे यश की रक्षा कर रही है, हमारा नाम खराब ना हो जाए इसलिए श्री ठाकुर स्वयं महाराज इनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित ही नहीं है, उत्तरानंदन परमात्मा भी है। और श्री कृष्ण के सहोदर भाई हैं हमारे परीक्षित जी महाराज, सहोदर उसका नाम होता जो एक उदर में रहे, सो सहोदर एक उम्र एक उदर में रहे एक पेट में रहे। सुजी महाराज कहते हैं उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सल, भगवान भक्तवत्सल ने महाराज रक्षा की द्रोणी के अस्त्र से, और इधर पांच महाराज किस कैसे रक्षा की, बोले सुदर्शनेन स्वास्त्रेन स्वानाम रक्षाम, सुदर्शन से रक्षा की। ब्रह्मास्त्र भी अग्नि स्वरूप ही है और सुदर्शन भी अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप से अग्नि स्वरूप को काटा अर्थात सुदर्शन से उनकी रक्षा की। और इधर क्या हुआ, देखा कि पांचों पांडवों को मारने के लिए भी उसने देखा, महाराज पांडवों ने देखा कि हमारी ओर तेज आ रहा है। तो यदम माया दिव्या सृजत्यत्य त्यजा, जिस माया से इस सृष्टि का भगवान सृजन करते हैं उसी माया का प्रयोग करके महाराज इन्होंने ब्रह्म तेज से उस ब्रह्मास्त्र से पांडवों की रक्षा की। और पांडव जो रक्षित सुरक्षित हो गए, और रक्षित सुरक्षित होने के बाद भगवान जाने लगे, और जब भगवान जाने लगे तो आत्मजयी सह कृष्णया, कुंती बुआ अकेली नहीं है, कुंती बुआ के आत्मज हैं, आत्मज माने पांचों बालक, कुंती बुआ के पांचों बालक हैं और साथ में कृष्णया माने द्रौपदी भी है। तो यदि कृष्णा हैं द्रौपदी हैं तो निश्चित रूप से उत्तरा भी होंगे। और अभी आज हम लोग चिंतन कर रहे थे, देखेंगे महाभारत, शायद महाभारत में वर्णित होगा, जब यहां अभिमन्यु का ब्याह हो गया था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, तो अभिमन्यु से बड़े थे बालक ये, तो अभिमन्यु तो 16 साल के और ये बड़े हैं, तो इनका भी ब्याह तो हो गया होगा, जो बच्चे मारे गए हैं
अभी हमको पढ़ने को आज ही किसी ने संकेत किया हमको, तो मैं देखूंगा महाभारत में कि उनका ब्याह हुआ था कि नहीं। तो निश्चित रूप से पांडव लोग हैं और साथ में कुंती बुआ भी हैं और कृष्णा भी हैं। प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह प्रथा सती, ये जो प्रथा है और कुंती बुआ का नाम प्रथा है और ये सती भी है, ये प्रथा सती। हमको कई बार सती शब्द का अर्थ तो मैं यही करता हूं जिसकी चित्त वृत्ति सत्य में लगी रहे, सत्य के चिंतन में जो लगी रहे, सत्य के विचार में जो जिसकी वृत्ति लगी रहे वही सती है। तो ये सती ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, अद्भुत दर्शन है। श्री कृष्ण का दर्शन भागवत में, भागवत लोग श्री कृष्ण का दर्शन कैसे करते हैं? भागवत में श्री कृष्ण है ना, तो भागवत माने भक्त, भागवत का अर्थ होता है भक्त। भक्त भगवान को किस रूप में निहारता है, कृष्ण को किस रूप में निहार, कृष्ण अपने लिए क्या निहारते हैं वो अलग बात है। इसलिए प्रत्येक भक्त की दृष्टि कृष्ण के लिए अलग अलग है संबंध के आधार पर, किंतु ये कुंती बुआ की जो दृष्टि है अद्भुत दृष्टि है, विलक्षण दृष्टि है, गरिमामयी दृष्टि है। और महाराज इनके वैदुष्य पर तो मैं तो बलिहार हूं। आपको बताएं वैदुष्य के साथ साथ इनका जो समर्पण है भगवान के अवतार के हेतु कई रखे हैं। ये श्री कृष्ण अवतार है, वो मानती ये नहीं मानती केवल हमारा भतीजा है, अवतार है। और अवतार के कई हेतु है, इदमित्थम कही जात न सोई, भगवान के अवतार के हेतु बहुत है और सभी कई हेतुओं को महाराज इन्होंने रखा है। कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है। तो इनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है और श्री कृष्ण को किस रूप में मानती है, भले ही महाराज ये श्री कृष्ण अपनी बुआ को बुआ के रूप में मानते हो, किंतु ये बुआ श्री कृष्ण को भतीजे के रूप में नहीं भगवान के रूप में जानती है और भगवान के रूप में मानती है। मानना और जानना, कई बार हम भगवान को जानते तो हैं किंतु भगवान को मानते नहीं, और कई लोग मानते हैं किंतु जानते नहीं, बड़ी विडंबना है। बहुत सारे लोग भगवान को मानते तो बहुत हैं किंतु भगवान के बारे में जानते नहीं है। किंतु कुंती मां की विलक्षणता ही है, कुंती बुआ की, कि ये जानती भी हैं और मानती भी हैं। तो श्री कृष्ण को किस रूप में जानती हैं और किस रूप में मानती हैं, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।